हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्कूल ज्ञान। आज हम करेंगे WPSC के 20 साल के क्वेश्चन जो गांधी एरा से आए हैं। गांधी युग के 2000 से 2020 तक के क्वेश्चन करेंगे जो WPSC में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गांधी एरा। इससे पहले मैंने एनिशियंट हिस्ट्री 2000 से लेकर 2020 तक अपलोड कर दिया है, मिडिवल हिस्ट्री 2000 से लेकर के 2020 तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो वीडियो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है WCS के नाम से, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को मिला करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस। खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे ये महात्मा गांधी थे। खिलाफत मूवमेंट पता है ना, टर्की में खिलाफत आंदोलन हुआ था, अली बंधु ने किया था। हु फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई खिदमतगार पार्टी किसने फाउंड किया था? ये किया था खान अब्दुल गफ्फार गांधी, इसको ही सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था? वो थे सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग द ग्रेट रिवोल्यूशनरी वाज द ब्रेन बिहाइंड द चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? तो ये थे, इसका दिमाग था सूर्यसेन का दिमाग था। किसका दिमाग था? सूर्यसेन का दिमाग था चटगांव आर्मरी रेड के पीछे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कांग्रेस डिमांड पूर्ण साम्राज्य। ठीक है, किस कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का मांग उठा था? तो ये हुआ था लाहौर, कौन सा लाहौर सेशन में फुल डिमांड पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिफ्यूज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दिया था? तो इसका जवाब है इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकेयर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। बारदोली मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बारदोली मूवमेंट को लीड कर रहा था ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस। किस ईयर में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था? तो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जिसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह, ये हुआ था 1930 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 साल में। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी को लेकर के हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया था। हु फाउंडेड द इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? तो ये थे धोंडो केशव कर्वे। कौन थे? धोंडो केशव कर्वे, इसने ही इंडिया वुमेन्स यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था 1960 में मुंबई में। जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। ये दिल्ली में कॉल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी है। यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम लोग आ गए हैं 2019 में। ठीक है, अब 2019 में आए हुए जितने भी गांधी इरा के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक लाइफ स्टेडियम। जब आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तब भारत आज़ादी का जश्न मनाया था, ये किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आइडिया किसको आया था?
पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो यह आया था चौधरी रहमत अली के दिमाग में आया था। हु कमेंटेड क्रिस मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैग? किसने कहा था कि क्रिस मिशन है एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? जलियांवाला मैसेकर ऑकर्ड इन जलियांवाला मैसेकर हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। द फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा रिवाज, पहला जन आंदोलन सत्याग्रह कहाँ कौन सा था? वो था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सूर्य सेन वॉज एसोसिएट विथ विच ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? देखिए, ये सूर्य सेन वाला क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं 2020 में, जो था चटगांव आर्मी रेड से रिलेटेड था। तो देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट करता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा तो डेफिनेटली आप लोग 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर दीजिएगा। 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब आप लोग जानते हैं, 12 से 15 नंबर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए हम ऊपर भी देख चुके हैं ये क्वेश्चन तो सूर्य सेन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसने मार्क किया था? तो बाउंड्री मार्क किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री मार्क किया था। द मैन लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के मैन लीडर कौन थे? स्वराज पार्टी के मैन लीडर थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, 1917 में बना था। हु वाज द एडवोकेट ऑफ यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल? यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल के एडवोकेट कौन थे? तो वो थे एच एस सुरावर्दी। हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932? 1932 में हरिजन समाज को किसने फाउंड किया था? तो ये सभी पता है महात्मा गांधी ने किया था। वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थे आज़ाद हिंद फौज, वो कहाँ पर हुआ तैयार बना था? तो वो बना था सिंगापुर में। फर्स्ट INA ट्रायल्स टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली? तो पहला INA ट्रायल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 को हुआ था। वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कब क्विट इंडिया मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था? तो वो किया था वर्धा में किया था। कहाँ किया था? वर्धा में किया था। विच लीडर डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाइज लॉन्च 1920? 1920 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था उस समय कौन से नेता मर गए थे, शहीद हो गए थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। वेन वाज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कब बंद कर दिया गया था? ये बंद कर दिया गया था 1922 में, महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, इसके कारण से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। विच हु सेट अप द इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को किसने सेटअप किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज टू बी इट्स गोल? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया था, कौन से सेशन में? तो ये लाहौर के सेशन थे 1929 में। विच इम्पोर्टेंट इवेंट
किस इवेंट के बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ था? तो ये हुआ था रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ था। रोलेट एक्ट में जानवे करते थे किसी को भी पकड़ में जेल में डाल दो, नो वकील नो दलील चलता था, जिसके उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन किया गया था सैफुद्दीन किचलू के द्वारा। द फेमस पाकिस्तान रेजुलेशन पास्ट, फेमस पाकिस्तान रेजुलेशन का पास हुआ था लाहौर में। ब्लैक बिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप लोग, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो ब्लैक बिल को रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेहरू इज ए पोटियट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, ये किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है? ये कहा था सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? सर मोहम्मद इकबाल ने कहा, सॉरी दोस्त, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू इज ए पेट्रियट और जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था 1919 में। किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन द हीप ऑफ रबिश, ये किसने कहा था? कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन द हीप ऑफ रबिश, ये कहा था शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। विच डे वाज डिक्लेयर इज द डायरेक्ट एक्शन प्लान बाय मुस्लिम लीग, किस दिन डायरेक्ट एक्शन प्लान मुस्लिम लीग के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 में, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 6 अप्रैल 1930 इज़ ए वेल नोन इज ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज द डेट एसोसिएट विथ, क्योंकि इस दिन दांडी मार्च हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को इसलिए लोग इंडिया में याद रखते हैं क्योंकि इस दिन दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। आइडिया ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कंसीव्ड है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान सबसे पहली बार किसने आया था? ये आया था मोहम्मद इकबाल के दिमाग में। और पाकिस्तान किसने फॉर्म किया था? रहमत अली ने। रोलेट एक्ट का पास हुआ था 1900, कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं 2018 में। हु डिस्क्राइब्ड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एज ए फार द मोस्ट सीरियस रिविलियन सिंस 1857, तो ये कहा था वाइस राय लॉर्ड लिलिंगथो। किसने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1857 रिबेलियन से भी ज़्यादा खतरनाक है? ये तो कहा था वाइस राय लॉर्ड लिलिंगथो। पार्टी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा पार्टी फाउंड किया गया था? ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर रेजुलेशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग बाज, लाहौर रेजुलेशन में मुस्लिम लीग ने क्या पाया था? पाकिस्तान रेजुलेशन पास किया गया था। क्या किया था? पाकिस्तान रेजुलेशन को लाया गया था कि अब पाकिस्तान भी एक देश बनेगा। मुस्लिम लीग हैड एक्सेप्टेड माउंट बैटन प्लान बिकॉज, मुस्लिम लीग ने माउंट बैटन प्लान को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? तो मुस्लिम लीग ने ई हैड प्रोविजन द क्रिएशन ऑफ, क्योंकि इसमें बात हुआ था माउंट बैटन प्लान में कि हम पाकिस्तान एक अलग पाकिस्तान देने का बात किया था। हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो पहला प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के? थे ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस द्वारा फाउंड किया गया था। कब? किसके द्वारा फाउंड किया था? रास बिहारी बोस द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस, तो ये तो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे बी कृपलानी। द रेजुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज एडेप्टेड बाय द कांग्रेस एजिट्स, तो फंडामेंटल राइट का रेजुलेशन कौन से सेशन में पास हुआ था? तो ये हुआ था कराची सेशन 1931 में। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था? तो ये 1938 में बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। विश सोशल रिफॉर्मर वॉज द पॉपुलरली
कॉल्ड द पेरियार, पेरियार के नाम से सबसे कौन सा सोशल रिफॉर्मर जाना जाता था? ई वी रामास्वामी नायकर, ई वी रामास्वामी नायकर को सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है पेरियार। वो प्रपोज हु प्रपोगेटेड हिंद हिंदू, हिंद हिंदी हिंदू किसने प्रपोगेट किया था कि हिंद हिंदी हिंदू, तो ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। हु वॉज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में अरेस्ट होने वाले पहले नेता कौन थे? तो वो थे सी आर दास, थे सी आर दास थे पहले नेता। तिलक फॉर्म्ड होम रूल लीग इन 1960, तिलक ने होम रूल लीग 1916 में कहाँ पर बनाया था? तो ये था बेलगांव में बनाया था होम रूल लीग, कहाँ बनाया था? बेलगांव में। साइमन कमीशन 1927 में बाइकोट किया गया था, क्यों बाइकोट किया गया था साइमन कमीशन का? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बाइकोट किया गया था। हु फाउंडेड कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी को किसने फाउंड किया था? तो ये फजलुल हक ने किया था। द ब्रेकडाउन प्लान 1946 में ट्रांसफर किया गया था, पावर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रपोज्ड बाय, तो ये जो ब्रेकडाउन पावर था इंडिया के हाथ में ट्रांसफर किया गया था, ये वॉइस राय लॉर्ड बेबल के द्वारा किया गया था। अब हम लोग आ गए हैं 2017 में, हम लोग 2020, 2019, 2018 के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 2017 में आ गए हैं। ये हैं WBCS के पिछले 20 साल के प्रीस के क्वेश्चन हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन है? तो वो है M.K. गांधी, महात्मा गांधी। आफ्टर विच इंसिडेंट, किस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया? ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ चुके हैं 2019 में, 20 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये थे चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस साल पूना पैक्ट साइन किया गया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में? तो ये 1916 में पूना पैक्ट साइन किया गया था मुस्लिम लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, जलियांवाला मैसेकर क्या हुआ था 1919 में? ऑन द ईव ऑफ मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू ऑर डाई, किसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था, स्लोगन दिया था कि करो और मरो? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब करो और मरो। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस। विच मिशन विजिटेड इंडिया 1946 में कौन आया था? तो ये क्रिप्स मिशन आया था। चटगांव आर्मी रेड, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो गया, ये सूर्य सेन है 1930 वाला। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये भी देखिए रिपीट हो गया, जुलाई 1947। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, सी राजागोपालचारी, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती राजागोपालचारी। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। इसमें गवर्नर जनरल ही चलते रहा था 1957 या 58 तक, तो गवर्नर जनरल ही चलते रहा, इसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं था, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल ही होता था। बाद में 1958 के बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं और तब प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। इन विच ईयर पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड मुस्लिम लीग एंड वेयर, किस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब और कहाँ पास किया था? तो ये क्या था 1940 में लाहौर में, 1940 में लाहौर में, लाहौर से सर 1929 में किस लिए डिक्लेयर किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? कंप्लीट इंडिया, लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन में कंप्लीट स्वतंत्रता की मांग हुई थी, पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद के फाउंडर के, आज़ाद हिंद के फाउंडर क्या अच्छे, आज़ाद हिंद के फाउंडर अच्छे कैप्टन मोहन सिंह। हु कंसिडर द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक, किसने कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है? ये कहा था M.K. गांधी ने। विच पार्टी
विच पार्टी कॉल डायरेक्ट एक्शन डे एंड डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा 1946 में 16 अगस्त 1946 में लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन ओपन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त को, 15 अगस्त के दिन बस 16 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 1946 में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और हम लोग आ गए 2016 में, कितने में आ गए 2016 में। ऑन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का इसमें से कौन मेंबर नहीं, तो वो है लॉर्ड बेवेल। स्वराज पार्टी कब बनाया था, 1923 और 1926 के बीच में। मोपला रिविलियन, ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी 2-3 बार एग्जाम दिया तो मोपला रिविलियन, ये केरला में हुआ था 1921 में। मालाबार रिविलियन जो है अली मुसलियार के नाम से जानते हैं। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जे बी कृपलानी। स्टेफर्ड क्रिप्स वाज द मेंबर ऑफ द, स्टेफर्ड क्रिप्स किसके मेंबर थे, तो ये लेबर पार्टी के मेंबर थे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया एट द पार्टीशन, पार्टीशन के समय में कितने प्रिंसली स्टेट भारत में थे, तो वो थे 562 प्रिंसली स्टेट, 562 प्रिंसली स्टेट भारत में थे जब इंडिया आज़ाद हो रहा था। तो हु डिक्लेयर कम्युनियल अवार्ड 1932 में किसने डिक्लेयर किया था, तो ये थे रामसे मैकडोनल्ड, लेबर पार्टी के थे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिगेन द दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था, ये तो 12 मार्च 1930 हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। हु कैरेक्टराइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज ए सरेंडर नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ द कम्युनिज्म, ये किस जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था, सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म, ये किसने कहा था, ये कहा था सैफुद्दीन किचलू ने कहा था, किसने कहा था, सैफुद्दीन किचलू ने। इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द सोशल डेमोक्रेटिक रेजुलेशन, सोशल डेमोक्रेटिक रेजुलेशन कराची, सोशल डेमोक्रेटिक रेजुलेशन ये याद रखिएगा, सोशल डेमोक्रेटिक रेजुलेशन कराची अधिवेशन में पास हुआ था। अंडमान निकोबार आइलैंड द फर्स्ट टू मेन इंडियन टेरिटरी लिबरेटेड 1945 अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद रीनेम, जो इसके जो दो आज़ाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के टेरिटरी को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद के नाम से किया गया, शहीद और स्वराज आइलैंड, इस आइलैंड का नाम रख दिया गया शहीद एंड स्वराज आइलैंड। व्हेन अंडर होम द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, कब और कौन ने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था, यह थे कैप्टन मोहन सिंह सिंगापुर 1942 में, कैप्टन मोहन सिंह सिंगापुर में 1942 में। इन विच ईयर ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस द जर्मनी टेक प्लेस, ठीक है, ये 1941 में। हिंद मजदूर संघ के फाउंड किसने किया था, हिंद मजदूर संघ को बीबी पटेल ने फाउंड किया था, बनाया था, देखिए 2015 में आ गए हम लोग। इन विच ईयर महात्मा इन विच ईयर कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, तो ये 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किससे एसोसिएट है, ये है मौलाना आज़ाद से, किससे है, मौलाना आज़ाद से। हु वॉज रेफर्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन वन आर्मी फ्रंटियर आर्मी, ये थे एम की गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था एक ही आर्मी है वह फ्रंटियर आर्मी है, ये माउंटबेटन ने कहा था। व्हेन डिड द डांडी मार्च टेक प्लेस, डांडी मार्च कब हुआ था, ये साबरमती आश्रम में हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था डांडी मार्च, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। आज़ाद हिंद फौज कब बना था, आज़ाद हिंद फौज बना था 1 सितंबर 1942, आज़ाद हिंद फौज कब बना था 1 सितंबर 1942 को बना था, ठीक है। जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो गया, जलियांवाला मैसेकर बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए पूना पैट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए आप लोग डब्ल्यू बी सी एस के पुराने ईयर के क्वेश्चन देखे जाएगा ना, आपको बहुत फायदा होगा, आपके 15 से 16 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है। पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था पूना पैक्ट, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो थे इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे कैप्टन मोहन सिंह। गांधी जी फेमस कमेंट जो है पोस्ट डेटेड, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया कि गांधी जी ने किस मिशन को तो कहा था पोस्ट डेटेड चेक, किसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ये क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। याद रखिए, जैसे पोस्ट डेटेड चेक देखिए तो समझ जाना क्रिप्स मिशन और गांधी जी, गांधी जी क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक, याद रखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के फाउंडर कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ, राज बिहारी बोस, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था भगत सिंह ने, कौन किसने दिया था? भगत सिंह ने। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? चितरंजन दास थे। स्वराज पार्टी चितरंजन दास 1923, ठीक है। मुस्लिम गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग ने इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट को, अंतरिम सरकार को कब ज्वाइन किया था? अक्टूबर 1940 में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, 26 अक्टूबर 1940। सामान्य कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था? ये 3 फरवरी 1928 से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, सामान कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सामान कमीशन को इंडिया में अपॉइंट किया था। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सामान कमीशन को 1928 में इंडिया में अपॉइंट किया गया था, याद है। त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र ने किसको हराया था? कांग्रेस, कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट? ये थे पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसने? पट्टाभी सीतारामैया को, ये गांधी जी का फेवरेट ही थे पट्टाभी सीतारामैया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं था इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और अपना पार्टी बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। वेन द पाकिस्तान रेजुलेशन फॉर्मली पास? पाकिस्तान रेजुलेशन 22 से 24 मार्च के बीच 1940 में पास हुआ था। अपन लोग देखिए 2014 में आ गए हैं, ठीक है। अगस्त ओफर का प्रपोजल किस लिए था? वो डोमिनेंस स्टेट मांग रहे थे, डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे थे, मतलब हम लोग अपना सरकार चलाएंगे लेकिन राज आप ही का रहेगा। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब होता है सरकार हम लोग अपना चलाएंगे लेकिन राज आपका ही रहेगा। कंप्लीट आउटकम ऑफ द वार, ये क्या बता? समनिंग शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस में कंप्लीट आउटकम ऑफ वार कहा गया है। द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु कंडक्टेड द नेगोशिएशन विद क्रिप्स इन 1942 एंड वेवल एट द शिमला कॉरपोरेशन? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कब निगोशिएशन कर लिया था क्रिप्स के साथ में 1942 में और वेवल के साथ में शिमला कॉरपोरेशन? यह था, किया था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद निगोशिएशन के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द फर्स्ट सेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में कौन गया था? तो ये गया था तेज बहादुर सप्रू, कौन गया था? तेज बहादुर सप्रू, एक और थे बी आर अम्बेडकर, तीनों सेशन में भाग लेने वाले थे। वाई वाज द सामन कमीशन बायकॉट कांग्रेस? सामन कमीशन को क्यों बायकॉट कर दिया था? एक क्वेश्चन बताइए, रिपीट नहीं हुआ, ये हुआ था क्योंकि इंडिया में उसमें कोई भी मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का में से कौन मेंबर नहीं है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस के टाइम में? तो थे जे बी कृपलानी, कौन थे? जे बी कृपलानी। जब आज़ाद हो रहा था भारत तो उस समय तो प्रेसिडेंट थे जे बी कृपलानी। फेडरल कोर्ट का क्या मतलब होता है? फेडरल कोर्ट कब हुआ था? फेडरल कोर्ट कंस्टिट्यूट कब हुआ था? ये 1935 में हुआ था। फेडरल कोर्ट कब हुआ था? 1935 में। खुदाई खिदमतगार, ये क्वेश्चन देखिए हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, खान अब्दुल गफ्फार का, इसे वो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इन विच ईयर वाज पास द कांग्रेस रेजुलेशन एंड फंडामेंटल राइट? ये भी क्वेश्चन कर 1931 में। हु फाउंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? एन एम जोशी, कौन थे? एन एम जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के। इन विच ईयर कांग्रेस मिनिस्टर स्टार्ट फंक्शनिंग प्रोविंसेस? 1937। लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, सबको पता है। हु बिकम द वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर लॉर्ड इरविन? लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसराय कौन था? वो लॉर्ड विलिंगडन था। द एन ए अंडर सुभाष चंद्र बोस सरेंडर्ड द ब्रिटिश आफ्टर द कोलैप्स
सुभाष चंद्र बोस ने कब सरेंडर कर दिया था? ब्रिटिश के बाद जब कोलैप्स कर गया था तो जापान में। नेशनल न्यूज़ एजेंसी फर्स्ट नेशनल न्यूज़ एजेंसी कौन थे? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। इन नेहरू रिपोर्ट कमेटी जो 1928 में आया था, द लिबरेशन फेडरेशन ये किसको रिप्रेजेंट करते, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? इसको तेज बहादुर सप्रू कर रहा था। द इमीडिएट काउस फॉर द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे क्या कारण था? खिलाफत मूवमेंट था। हम लोग 2013 में आ गए। देखिए, इन बीच ईयर रेजुलेशन पूर्ण स्वराज वाज टेकन कांग्रेस, पूर्ण स्वराज कब मांगा गया था? 1929 में, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इन बीच ईयर मुस्लिम लीग इन बीच सेशन मुस्लिम लीग फॉर्मली प्रोक्लेम द मुस्लिम नेशन ऑफ 1940, ये थे लाहौर। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द सर क्रिक बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक लाइन है। इन विज रिपोर्ट द आइडिया ऑफ फेडरेशन स्टेट वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड, ये मोतीलाल नेहरू ने प्रपोज किया था आइडिया। द हिंदू विच हिंदू सेक्रेड टेस्ट डिन महात्मा बी आर अम्बेडकर बर्न इन पब्लिक, ठीक है, कौन सा हिंदू सेक्रेड को बी आर अम्बेडकर ने पब्लिक के सामने जला दिया था? तो ये थे मनुस्मृति को पब्लिक के सामने जला दिया था बी आर अम्बेडकर ने। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप डिड कांग्रेस कंस्टिट्यूट द फर्स्ट नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938, तो यह है सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया स्टेट कांग्रेस कब बना था? ये 1920 को बना था। एन एम जोशी और लाला लाजपत राय, एक बार देखिए दो क्वेश्चन आ गया, एक बार एन एम जोशी ऑप्शन में था, एक बार लाला लाजपत राय था ऑल इंडिया स्टेट AIUC में। विच नोबल रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट के बाद लौटा दिया था? वो थे आपका चले वाला मैस्क है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन ही नहीं। विच नोबल रविंद्रनाथ टैगोर मैस क्रिटिक द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मुस्लिम घरे वायरे के लिए इसको नोबल मिला था। लैंडिंग विच एक्सपीडिशन प्रीति ताला वेदार डाई किस एक्सपीडिशन में मारा गया था? ये अटैक ऑफ पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब में मारा गया था। वेन डिड तेभागा मूवमेंट बंगाल में कब हुआ था? तेभागा मूवमेंट बंगाल में 1946 में हुआ था। तेभागा मूवमेंट 1942 में स्वराज पार्टी को सेटअप, स्वराज पंचायत को सेटअप किया गया था तुमलुक में, किसमें? तुमलुक में स्वराज पंचायत को सेटअप किया गया था। हु वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ सुभाष बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद पर था उसका कौन मेंबर नहीं थे? उसके मेंबर नहीं थे कैप्टन मोहन सिंह। हु वॉज द फर्स्ट एडवोकेट यूनाइटेड सोवरेन बंगाल के थे, कौन थे? H.S. सुहावर्दी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। बांग्लादेश बना था 1971 में। इंडो चाइना वार कब हुआ था? 1962 में। हु केम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? राजा गोपालचारी। इंडिया अचीव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया जो को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कब मिला था भारतीय ब्रिटिश से? 15 अगस्त 1947 को। हम लोग आ गए 2012 में। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी राजा गोपालचारी जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सभी को पता है। द एक्ट 1919 किस लिए जाना जाता है? जो एक्ट था 1919 ये रॉयल एक्ट के नाम से ज़्यादा, इसको ब्लैक बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक बिल। इसमें लोगों को किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। विच इंसिडेंट फोर्स महात्मा गांधी टू कॉल द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1922, ये थे मॉब वायलेंस इन चोरा चोरी के मॉब वायलेंस में थे। इन विच कांग्रेस सेशन द डिमांड ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फर्स्ट मेड, कांग्रेस सेशन को पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब मिला था? तो ये लाहौर अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया था। हु रेज द स्लोगन ऑफ द लॉन्ग ड्राइव रेवोल्यूशन, लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबी आंदोलन करना है, इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, ये थे भगत सिंह ने कहा था कि लॉन्ग लाइफ रेवोल्यूशन करना पड़ेगा।
नेम द वर्कर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड द महात्मा गांधी, यह है मजदूर महाजन। नेम द आउटस्टैंडिंग दलित लीडर ऑफ इंडिया हु हैड रिनाउंस्ड हिंदुज़म एज एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म एट द लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ते थे बी आर अम्बेडकर। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर हु हैड इंट्रोड्यूस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, किसने फाउंड किया था, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948 में। मेंशन द ईयर विच इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन किया गया था, तो ये किया गया था 1971 में, जब अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर हो रहा था। नेम द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वेयर आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में बना था। वेन डिड द रॉयल इंडियन फैमिली म्यूटिनिटी टेक प्लेस, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनिटी कब हुआ था, तो यह हुआ था फरवरी 1946 को। हु वाज द लीडर ऑफ खुदाई, कितना बार रिपीट हो चुका, खान अब्दुल गफ्फार का उसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। कृषक प्रजा पार्टी, ये भी देखिए रिपीट हो गया, ए के फजलुल हक है प्रजा पार्टी के। एट विच प्लेस महात्मा गांधी डिड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी को पहला एक्सपीरियंस कब मिला था मास मूवमेंट के लिए, थे चंपारण से मिला था, कब मिला था चंपारण से। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज द इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट वन सेकेंड टाइम, थे पूरी अधिवेशन में उसको सेकेंड चांस मिला था, पट्टा भी इसी तरह में एक हो रहा था ना। द मेरठ कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड 1929, मेरठ कॉन्फ्रेंसी कब हुआ था, 1929 में हुआ था मेरठ कॉन्फ्रेंसी, ठीक है, मेरठ कॉन्फ्रेंसी मैंने षडयंत्र। विच इंडियन लीडर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद इन द यूनियन इंडियन यूनियन, प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी ने सारे प्रिंसली स्टेट को एक बांधा है। हु डेमोक्रेटेड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन, ये थे सर सिरिल रेडक्लिफ, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो किया बाउंड्री किया था। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया रिसीव द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे क्लेमेंट एटली, कौन थे, एटली साहब। इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग पास पाकिस्तान, किस ईयर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजुलेशन पास किया था, ये 1940 का साल था जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का रेजुलेशन पास किया था। अब देखिए हम लोग 2011 में आ गए, 2020 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन देख लिए, अब देखिए आगे देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया जब आज़ाद हो उस समय कौन था, तो ये भी कितना बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के फाउंडर कौन है, लाला लाजपत राय। आयरन मैन के नाम से कौन जाना जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए सब क्वेश्चन है। हु वाज द ऑथर ऑफ पाथर देवी, ये देखिए नया है, पाथर देवी जो है इसके फाउंडर कौन है, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एट विच टेक प्लेस द फर्स्ट एक्सपीरियंस महात्मा गांधी, ये भी क्वेश्चन अभी किए थे ऊपर में, ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लड़ जाते हैं। किसने कहा था, यदि कांग्रेस पार्टीशन एक्सेप्ट करता तो यूट वुड बी ओवर माई डेड बॉडी, किसने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टीशन को एक्सेप्ट करता है तो मेरी डेड बॉडी मिलेगी, ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरी डेड बॉडी मिलेगी। व्हेन डिड रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट इन बम्बे टेक प्लेस, ये थे 1946 में। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वे डिड इंडिया इंडियंस डिससेटिस्फाइड विद सेवन कमीशन, सेवन कमीशन क्यों सेट इंडियन जो थे सेवन कमीशन से क्यों असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था सेवन कमीशन में। जलियावाला मैसेकर 1919 में हुआ था, 2010 में आ गया, ठीक है। स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन थे,
सीआर दास। देख कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीटेड रिपीटेड ओनली रिपीट 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 रिपीट, बस याद रखिए रिपीट, हर क्वेश्चन रिपीट होता है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये एक अंध नग्न फकीर है, ये महात्मा गांधी को कहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये तो महात्मा गांधी अर्ध नग्न फकीर है। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, भारतीय संविधान रिफॉर्म के लिए। लाइफ डिवाइन किसने लिखा था, लाइफ डिवाइन लिखा है, लाइफ डिवाइन को लिखा है अरविंदो घोष ने। मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट को कब ज्वाइन किया था, ये 1940 में। देखिए कितना रिपीट करिए क्वेश्चन। खिलाफत मूवमेंट को कब ज्वाइन किया था, खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद आया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल, ये देखिए पहले एक बार था लाला लाजपत राय, एक बार एनके था, एनके से एनके करके था ना, एन एम जोशी और लाला लाजपत राय, एन एम जोशी और लाला लाजपत राय, ये दोनों ने मिलकर के ऑल इंडिया ऑप्शन चेंज करके देते रहता। हु वाज नोन एज द भागा जतिन, भागा जतिन जतींद्रनाथ मुखर्जी को भागा जतिन के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया होम रूल्स लीग इस्टेब्लिश बाय, ऑल इंडिया होम रूल इस्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल। जलियांवाला बाग मैसेकर का 1919 में हुआ था। हु ऑफर द लीडरशिप द खिलाफत मूवमेंट, लीडरशिप खिलाफत मूवमेंट को कौन लीडरशिप कर रहा था, मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहा था। अब हम लोग 2009 में आ चुके हैं, 2009 के क्वेश्चन देखिए। हु अनाउंस द कम्युनियल अवार्ड, कम्युनियल अवार्ड ने किसने किया था, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है, इसी ने अनाउंस किया था। डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी के करो और मरो। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने फाउंड किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसी जान, सरदार वल्लभ पटेल, क्योंकि उसने सारे प्रिंसली स्टेट को मिला दिया था, यूनाइट कर दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेम वन रिवोल्यूशनरी एट हु अटैक द राइटर्स बिल्डिंग, एक रिवोल्यूशनरी का नाम बताओ जिसने राइटर का बिल्डिंग पर अटैक कर दिया था, तो वो थे विनय बसु, कौन थे, विनय बासु, विनय बासु ने राइटर्स का बिल्डिंग पर अटैक कर दिया था, क्योंकि राइटर्स का बिल्डिंग पर अटैक करना मना है। इन विच ईयर बाद स्वराज पार्टी स्टेब्लिश, स्वराज पार्टी कब बना था, स्वराज पार्टी बना था 1922 में, कब बना था, स्वराज पार्टी 1922 में बना था। नेम एक लीडर का नाम बताओ स्वराज पार्टी का, तो वो थे चित्तरंजन दास, सी आर दास जिसको बोलते हैं। वेन डिड दांडी मार्च, कितना बार रिपीट हो चुका, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च अप्रैल हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कितना क्वेश्चन अभी देख चुके हो ऊपर में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताओ, 8 अगस्त 1942 जो है क्विट इंडिया मूवमेंट है। वेन वाज द आज़ाद हिंद फौज फॉर्म, आज़ाद हिंद फौज जो है 1 सितंबर 1942 को बना था। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का एक लीडर का नाम बताओ, तो वो है एनी बेसेंट, कौन है, एनी बेसेंट। जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला मैसेकर। तो हम लोग आ चुके हैं 2008 में। रोलेट एक्ट कब हुआ था, कितना बार पढ़ चुके, 1919 में, एक ही क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो पहला भारतीय महिला, भारतीय महिला इंडियन फीमेल, तो सर्वनी नायडू, और बोलेगा ऐसे महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट। हु ऑर्गेनाइज द भट्टाचार्य मूवमेंट, भट्टाचार्य मूवमेंट जो था वो गुरु सदाए दत्ता, ठीक है। हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी अभी देखे थे 2008-09 में देखे थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान 2008 में भी आया है। हु एंड ओवर द चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी टू नेताजी, किसने इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज नेताजी को दे दिया था, तो रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज जो है वो नेताजी को दे दिया था, किसने दिया था, रास बिहारी बोस ने। नेम ऑफ द शिप रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ओरिजिनेटेड, कौन सा ऐसा शिप है रॉयल नेवी शिप था जिस पर नेवी रिवोल्ट हुआ था, तो वो था तलवार, उस शिप का क्या नाम था, तलवार, उस शिप का नाम था तलवार जिस पर नेवी रिवोल्ट हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था, क्वेश्चन रिपीट है। हु अकॉम्पनीड भगत सिंह द बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन दिल्ली,
भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेचर दिल्ली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ में। हु लेड अटैक ऑन द यूरोपियन क्लब ऑफ द पाहटली इन चिटगांव, यह था प्रीताला वद्यार इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस पास रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का रेजुलेशन किसने पास किया था, कब पास हुआ था, यह हुआ था 1929 में, 1929 में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। तेभागा मूवमेंट 1940 में कब हुआ था, तो बंगाल में हुआ था तेभागा मूवमेंट। अब मोपला केरल में, तेभागा बंगाल में। हम लोग आ गए हैं 2007 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925। देखिए 1925 जब बोलेगा तो समझ नहीं आ रहा, और 1917 बोलेगा तो एनी वेसेंट, ठीक है। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक। हरिजन सेवक कब बनाया था, 1932 में बना था, एमके गांधी ने बनाया था। वेन डिड द अकाली मूवमेंट, अकाली मूवमेंट कब हुआ था, 1921 में हुआ था, ठीक है। एक गुरुद्वारा मूवमेंट से भी है। ऑल इंडिया किसान सभा कब फाउंड हुआ था, ये सहजानंद सरस्वती ने फाउंड किया था 1936 में, किया था सहजानंद सरस्वती 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। मुस्लिम लीग फर्स्ट गिव कॉल द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने कब सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का मांग किया था, 1940 में किया था, 22 से 24 मार्च के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अमेरिकन कम्युनिस्ट जनरल ऑफ एमएन रॉय, तो थे बेनगार्ड। गांधी जी चंपारण मूवमेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। गांधी जी चंपारण का मूवमेंट क्यों कर रहा था, नील की खेती जो कर रहा था उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हेन वाज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कब खत्म कर दिया गया था, 11 अप्रैल 1922 को, चोरी चोरी हत्याकांड के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो क्यों आया था, ये डायरेक्टी सिस्टम लेके आया गया था। क्यों आया गया था, द्वैत शासन, मतलब केंद्र में भी शासन होगा और स्टेट में भी शासन होगा, डायरेक्टी सिस्टम। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश इंडिया इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से बाहर, इंडियन इंडिपेंडेंट INA, इंडिया के बाहर INA का स्थापना सिंगापुर में हुआ था, राज बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट का नंबर कितना है, पार्टीशन में 562 है, लेकिन कहीं जगह 562 भी लिखा रहता है, ठीक है, 562 और 565। द गोल ऑफ लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस का गोल क्या था, कैपिटल इंडिपेंडेंस मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग था, पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहा था। द एम ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का एम क्या था, द इंटर द लेजिस्लेचर एंड रेक द गवर्नमेंट विथ हिम, ठीक है। स्लोगन जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, जय हिंद, जय हिंद। द नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के हिसाब से नॉन वायलेंस क्या है, द पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं 2006 में, साइमन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग इंडियन गवर्नमेंट ज्वाइन किया था अक्टूबर 1946 में, ये भी बहुत बार आ चुका है। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, 1946 में, किसके बीच में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक, के बीच में हुआ था पूरा लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। हु वाज द रिवोल्यूशनरी हु असिस्टेड भगत सिंह थ्रो द बम ऑफ द, भगत सिंह ने किसके साथ मिल करके असेंबली में बम फेंका था, तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके बम फेंका था। हु सेड इफ टू लव माई कंट्री इज ए क्राइम, किसने कहा था कि यदि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ तो ये क्राइम है, और आई एम ए क्रिमिनल, अगर क्राइम है, किसने कहा था कि यदि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ तो ये क्राइम है, तो मैं क्रिमिनल हूँ, तो ये कहा था सी आर दास ने, ठीक है। चित्तरंजन दास ने कहा था कि यदि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ तो वो एक क्राइम है, तो मैं एक क्रिमिनल हूँ। हु सेड एजुकेशन माई वेट बट स्वराज के नोट, किसने कहा था कि एजुकेशन वेट कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं, तो
के गांधी जी कहा था। गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन वेट कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं। विच गांधी मूवमेंट वॉज मर्ज विथ खिलाफत मूवमेंट, कौन सा गांधी मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया था? तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी के द्वारा, जो खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया गया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन थे? स्वराज सी आर दास। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, चटगांव आर्मरी 1930 में हुआ था, ठीक है। सूर्य सेन थे इसके माइंड मास्टर माइंड। विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज इंडिया, तो ये लाहौर में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन फाउंड होम रूल लीग, होम रूल लीग किसने फाउंड किया था? तो ये दो ए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये होम रूल को फाउंड किया गया था। हम लोग आ गए हैं 2004 में, तो 2004 में देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया किसान सभा के, तो ये थे, इसने बनाया भी यही था और इसका पहला अध्यक्ष भी यही था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, नेवल रिपोर्ट 1946 में हुआ था बम्बई में, ठीक है। और उसका उस नेवल उस शिप का क्या नाम था? तलवार। उस शिप का क्या नाम था? तलवार, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये WCS के हम लोग 20 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो प्री मैच आए हुए हैं। When was the Congress or Socialist Party formed? Socialist Party formed हुआ था 1934 में formed हुआ था। Who was the Sarvadhinayak? The Tamralipata Jatakiya सरकार, ये Shashi Chandra Samanta है। Which movement started in India after the failure of Crisp Mission? कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब क्रिस मिशन फेल कर गया था? क्रिस मिशन फेल होते के साथ ही भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस एस्केप द एलाइंग द रोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 1941 में हुआ था। वेन साइमन कमीशन इंडिया 1927 में। हु किल्ड सैंडर्स, भगत सिंह ने सैंडर्स को किसने मारा था? भगत सिंह ने मारा था। वेन वाज द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास, इंडिया इंडिपेंडेंस पार्ट 18 जुलाई 1947 को। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो यह लाला लाजपत राय। वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट, तो पहला गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? सब जानते हैं, चंपारण है। हु वाज द ऑथर बुक द यूरोपी ऑफ पुराण, किसने यूरोपी ऑफ पुराण के लेखक कौन है? यह है एस मुजफ्फर अली। किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग उठाया था? कितना बार रिपीट हुआ है? लाहौर सेशन में। अब हम लोग आ गए हैं 2003 में, जलियांवाला मिस के 1919 में। सॉल्ट मार्च बिगेन हुआ था अहमदाबाद से, सॉल्ट मार्च कब हुआ था? अहमदाबाद से। गांधी जी अरेस्टेड, द चार्ज ऑफ सेडिशन एंड 6 ईयर सेंटेंस, 1922 में जेल में गया था गांधी जी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, बताइए कितना बार पढ़ चुके हैं? 1947 में, जुलाई 1947 में। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजागोपालचारी, चक्रवर्ती राजागोपालचारी। और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में बर्न हुआ था 1925 में, सीपीआई पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। एम एन रॉय ओरिजिनली नोन एज, एम एन रॉय को पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, एम एन रॉय जो थे। सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम्ड द एस्टेब्लिश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया गया था। द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ IOTC लाला लाजपत राय और एन एम जोशी, ये दोनों थे। द कांग्रेस डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे मीटिंग हेल्ड एट द लाहौर, 26 जनवरी को 1930 को हम लोग मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, ये लाहौर सेशन में कहा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। ऑल इंडिया होम रूल स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता खान अब्दुल गफ्फार खान, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष जो है भारत आज़ाद होने के बाद पहले चीफ मिनिस्टर थे। चटगांव आर्मरी रेड के पीछे दिमाग था सूर्य सेन का।
हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने और त्रिपुरी सेशन दोनों में जीते थे। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन दोनों सेशन में ये जीते थे। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 2002 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब लटकाया गया था, किस लिए लटकाया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए लटकाया गया था। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट कौन सा मूवमेंट को बंद कर दिया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। नॉन मास्टर दा किसको कहा जाता है, मास्टर दी सूर्य सेन को जाता है, ये आरबरी रेड के पीछे इसका मास्टर माइंड था, ये समझे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज द ओनली सोल्यूशन सेट द पार्टीशन ऑफ द, किसने कहा था कि भारत का विभाजन कर दो यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, ये मोहम्मद अली जिन्ना कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पार्टीशन ही सबसे बड़ा हाथी होगा। विच वॉज द डेट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने कब डायरेक्ट एक्शन, 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे, ये कितना बार क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बार डायरेक्ट एक्शन 1940 में 16 अगस्त 1940, 15 अगस्त को भारत आया तो 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन दिया हुआ था। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने दिया था डू और डाई का स्लोगन। फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। द फेमस डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 को, फेमस डांडी मार्च कब हुआ था, 1930 को स्टार्ट हुआ था। द प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1930 में, उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था रामसे मैकडोनल्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, हम लोग आ गए हैं 2001 में। ठीक है, हु डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल द पोस्ट, बहुत बार कर चुके हैं गांधी जी, अब करने का मन भी नहीं कर रहा, इतना बार कर चुके हैं, अब तो रट गया वो क्वेश्चन टू वाला। हु रेज द नेशनल फ्लैग ऑफ फर्स्ट इन नागालैंड, फर्स्ट नागालैंड में फर्स्ट नेशनल कांग्रेस किसने किया था, रानी गैदिनुलू, रानी ग्यू टी नीलू। गांधी जी रिटर्न केसर हिंद मेडल, गांधी जी ने केसर हिंद मेडल लौटा दिया था किसके बाद, जलियावाला मैसकेयर के बाद, हत्याकांड के बाद। हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ तुमलुक, नेशनल डायरेक्टर जनरल कौन था नेशनल गवर्नमेंट इन तुमलुक, सतीश चंद्र सामंता तुमलुक में। हम लोग आ गए हैं 2001 में। रेडिकल ह्यूमनिज्म किससे एसोसिएटेड है, यह है मानवेंद्रनाथ रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय है रेडिकल ह्यूमनिज्म एसोसिएट है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबको पता है 1917 में, 1925 में किसका, सीनी नायडू। वेन वाज द कॉरिडोर वॉर, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता फाउट 1930 में, कॉरिडोर वॉर जो हुआ था राइटर्स बिल्डिंग में 1930 में हुआ था। वेन डिड नेशनल मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर हिज फॉर्मेशन ऑफ 1937, 1939, इन विच ईयर किसान सभा फाउंड 1936, किसान सभा फाउंड हुआ था 1936 में। अब हम लोग आ गए हैं 2000 में। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड आई एम ए सोशलिस्ट, ये किसने कहा था कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ। हु वॉज द लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, इंडियन ट्रेड यूनियन 1920 वाला। रानी गैदुलू रिबेल लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये है नागालैंड। रानी गैदुलू आएगा ना, रानी गैदुलू के नाम आएगा तो समझ जाना नागालैंड से रिलेटेड है, समझ जाना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, इसमें से कौन स्वराज पार्टी कभी लीडर नहीं था, तो सी राजागोपालचारी। द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु कंडक्टेड नेगोशिएशन क्रिप्स मिशन 1942 एंड बेबलिन सिमला कॉन्फ्रेंस, ये अबुल कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ नेगोशिएशन किया था, इनमें से करेक्टली मैच करना है तो बॉम्बे टेक्सटाइल में 1924 से करेक्टली मैच्ड है। ये भी कैसे, वाई बी चौहान जो है महाराष्ट्र से है। मास्टर दा के नाम से कौन जाना था, सूर्य सेन, आर्मरी रेड जो ढाका में हुआ था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कर लिया है 2000 से लेकर के 2020 तक के WCS के सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो हुए गांधी इरा के, कौन है गांधी इरा के, इससे पहले मैंने एनिशियंट हिस्ट्री 2000 से लेकर 2020 तक के सारे अपलोड कर दिए हैं, मिडिवल हिस्ट्री के सारे अपलोड कर दिए हैं,
तो ये है गांधी इरा। इसके बाद मैं अपलोड करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री 2000 से लेकर 2020 तक के, जो आपके पूरे हिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपके 15 से 20-25 नंबर आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग एक बार देख के चल जाइएगा, आपका हो जाएगा काम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।